गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म यूपीएससी सीएससी इन हिंदी। तो अन अकेडमी के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर मैं प्रदीप कुमार सिंह आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। तो आप लोग सभी लोग जुड़ जाओ क्लास में और उसके बाद हम लोग अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं, क्लास के स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग सभी लोग आ जाओ क्लास में पहले, ठीक है। चलिए सबसे पहले तो मैं अन अकेडमी के बारे में बता दूं, आप लोग जब तक जुड़ रहे हो तब तक मैं अन अकेडमी के बारे में बता दूं। अन अकेडमी जो कि इंडियाज का सबसे, गुड इवनिंग सभी को, इंडियाज का सबसे लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है। अगर आप यहाँ पर प्लस की क्लासेस को ज्वाइन करते हैं तो आपको मिलता क्या है, आपको मिलता है यहाँ पर डेली लाइव क्लास। ना सिर्फ आपको यहाँ पर डेली लाइव क्लास मिलता है बल्कि आपके सिलेबस को काफी अच्छे तरीके से, वेल स्ट्रक्चर्ड तरीके से कंप्लीट कराया जाता है और साथ ही जितने टॉपिक्स कंप्लीट करवा दिए जाते हैं उन टॉपिक्स पर लिया जाता है लाइव टेस्ट और क्विजेज, और साथ में मिलता है अनलिमिटेड एक्सेस, अर्थात आप जितनी बार चाहो, गुड इवनिंग नीतू, जितनी बार चाहो उतनी बार आप अपने क्लास को करने के लिए स्वतंत्र होते हो। यहाँ पे टॉप 100 एजुकेटर हैं जिनके साथ आपको पढ़ने का मौका मिलता है। अगर मैं अपने बारे में बताऊँ, मैंने दो बार इंटरव्यू फेस किया हुआ है यूपीएससी का, 2019 में भी मैंने दिया हुआ था इंटरव्यू दिया हुआ था, और यहाँ पर 15,519 से भी ज़्यादा कोर्सेज अवेलेबल है जो कि आपको ऑल सब्जेक्ट के हैं, और लाइव क्लास भी यहाँ से आप लोग को मिलता है। अगर यहीं पे हम लोग देखें आपको सब्सक्रिप्शन लेने के लिए करना क्या होगा, आपको सब्सक्रिप्शन लेने के लिए एक कोड का यूज करना होगा PK10। PK10 जब आप कोड का यूज करोगे तो आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट, प्लस में आपको मेरा हेल्प मिलेगा जहां पर मैं प्रॉपर वे में आप सभी बच्चों को गाइड करता हूं कि कैसे तैयारी करना चाहिए, कैसे आपको नोट्स बनाना चाहिए, प्रीलिम्स लेवल का नोट्स कैसे होना चाहिए, मेंस लेवल का नोट्स कैसे होना चाहिए। तो ये सारी की सारी चीजें मैं आप लोगों को वहां पर हेल्प करता हूं, बताता हूं। तो इसलिए आप सभी बच्चे जब भी सब्सक्रिप्शन लेने का मूड बने या जब भी सब्सक्रिप्शन आपको लेना हो तब आप लोग इस कोड का जरूर यूज करना, PK10, ठीक है, याद रहेगा कौन सा कोड है, PK10 है। अगर हम लोग यहां देखें आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में क्या है, आपको मिलते हैं यहां पर पर्सनल कोच, और इसके लिए भी आपको कोड का यूज करना है PK10। एक साल के लिए सब्सक्रिप्शन का प्राइस कितना हो जाएगा, 67,000 हो जाएगा। तो ये आपके सब्सक्रिप्शन का प्राइस है, और यहाँ पे जो कि प्रीलिम्स के लिए एक तो बेसिक बैच की शुरुआत किया गया है जो कि एनसीईआरटी के बेस पर स्टार्ट है, और दूसरा आपका कौन सा बैच है, दूसरा आपको 18 फरवरी से जो बैच स्टार्ट हुआ है वह पूरी तरीके से प्रीलिम्स पे फोकस बैच है। 2022 के लिए भी न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, 2023 के लिए भी न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, तो इतने सारे बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं, आप लोग इस बैच को जरूर ज्वाइन करना, ठीक है, प्लस का सब्सक्रिप्शन लेकर। अगर आप इनमें से ऑप्शनल और जीएस, अगर ये दोनों का दोनों बैचेज एक साथ ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको एक कोड का यूज करना होगा, कोड कौन सा है, PK10 है, PK10 है। इसमें भी आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट, प्लस मेरा साथ मिलेगा, और एक साल के लिए सब्सक्रिप्शन का प्राइस कितना हो जाएगा, 70,103 रुपीज हो जाएगा, जबकि अगर आप दो सालों के लिए सब्सक्रिप्शन का प्राइस ले लेते हैं तो 99,680 होगा। अब यह क्वेश्चन आता है कि बाकी इंस्टीट्यूट का और अन अकेडमी के सब्सक्रिप्शन में अंतर क्या है, अंतर यही है कि बाकी इंस्टीट्यूट में आपके पास ऑप्शन नहीं होता है, जैसे आप मेरे से पढ़ रहे हो आर्ट एंड कल्चर, वहां पे 10-15 टीचर और हैं जो आर्ट एंड कल्चर पढ़ा रहे हैं, तो कंपैरिजन करने का ऑप्शन यहां पर अवेलेबल है जो कि आपको दूसरे ऑफलाइन या दूसरे इंस्टीट्यूट में आप लोगों को यह ऑप्शन उपलब्ध नहीं है। हम लोगों के द्वारा यह देखना है, आज की क्लास हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है ना, आज की क्लास हम लोग शुरू कर रहे हैं, और आज की क्लास में हम लोग को यहां देखना है राजकोट शैली के मंदिरों के बारे में हम लोगों को देखना है, क्योंकि हम लोग को यह बात पता है, कल के क्लास में ही हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि ये जो राजकोट वाले हैं या चालुक्यों को, यानी कि चालुक्यों को, पश्चिमी चालुक्य वाले जो क्षेत्र था उनको पराजित करके यह सत्ता में आए हुए थे, और इन्होंने बेसर शैली के अनेक मंदिरों का निर्माण किया। इनके समय काल में अगर हम लोग नजर डालते हैं तो इनके समय काल में इन्होंने कौन से शैली के मंदिरों का निर्माण किया हुआ था, तो वेसर शैली के मंदिरों का निर्माण था, वेसर शैली के मंदिर निर्माण इनके द्वारा करवाया गया था। अब यह क्वेश्चन मार्क ये है कि वेसर शैली के वह कौन कौन से मंदिर हैं जिनका निर्माण इनके द्वारा करवाया गया था, तो एक मंदिर है आपका, कौन सा है, एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर, कौन सा मंदिर है, एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर है। दूसरा अगर मंदिर हम लोग देखते हैं तो एलोरा में ही, यानी कि ये कहीं और नहीं, एलोरा में ही, एलोरा स्थित,
एलोरा स्थित एकास्म, कौन सा? एलोरा स्थित एकास्म जैन मंदिर, कौन सा है? जैन मंदिर है। अब यह क्वेश्चन देखना, अगर जैन मंदिर जो कि एलोरा स्थित एक जैन मंदिर है, एक मिनट आप लोग समय देना। अच्छा हाँ, तो एलोरा स्थित जो जैन मंदिर है एकास्म लिखा गया है, इस एकास्म का मतलब क्या होता है? एकास्म का मतलब क्या होता है? इस एकास्म का मतलब यहां पर ये है कि एक ही पत्थर को काटकर इस मंदिर का निर्माण कराया गया है। अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है क्लास, तो एक ही पत्थर को काटकर इस मंदिर का क्या किया गया है? निर्माण किया गया है। तीसरा जो इसमें मंदिर है वह कौन सा है? वह मंदिर है आपको विश्वनाथ मंदिर। कौन सा है? विश्वनाथ मंदिर है, जिसको हम लोग पदक्कल कहा जाता है। कौन सा है? पदक्कल है। और चौथा आपका कौन सा है? नारायण मंदिर है। कौन सा है? नारायण मंदिर है। तो ये चार मंदिरों का मुख्यतः जो निर्माण कराया गया था वह आपके राष्ट्रकूटों के द्वारा कराया गया था। जैसे अगर आप एग्जांपल में देखते हो एलोरा का कैलाशनाथ का मंदिर, इसके बारे में मैं लिखवाऊंगा, लेकिन आप खुद देखना यहां पर अगर आप नजर डालते हो तो ब्राह्मण धर्म से भी, बौद्ध धर्म से भी और जैन धर्म से भी, इन तीनों प्रकार के धर्मों का बहुत ही अच्छा संगम, यानी कि तीनों प्रकार के कलाकृतियों को हमें देखने को यहाँ पर प्राप्त होता है। तीनों प्रकार की यहाँ पर क्या है? कलाकृतियां हम लोग को देखने को मिलता है। यहाँ पे अगर हम लोग वस्तु कला के हिसाब से देखें तो वस्तु कला के हिसाब से भी काफी उत्तीर्ण है, मूर्ति कला के हिसाब से भी काफी अच्छा है, और यहीं पर चित्रकला के हिसाब से भी जो एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर है यह काफी उत्तीर्ण है। तो तीनों प्रकार के यहाँ, हाँ जी, कल से स्टार्ट है। अच्छा 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 अच्छा, उसको मैं करवा दूंगा, उतना इंपोर्टेंस नहीं लगा था उसके मंदिर के बारे में, मैंने बता दिया था, ठीक है, उसको लिखवा दूंगा मैं, दो लाइन मुझे बस उसमें लिखवाना था, लिखवा दूंगा मैं, ठीक है अर्चना, चलो। और ये एकास्म जैन मंदिर है जो कि एक ही पत्थर को काटकर इस मंदिर का निर्माण कराया गया है। हाँ चलो, इसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत लिख लेते हैं। एलोरा मंदिर का ये कैब है, यानी कि गुफा है, जिसको काटकर इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। ग्राफ के द्वारा तो हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग इसको थोड़ा बहुत नोट डाउन कर लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर। आप लोग हेडिंग डालिएगा एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर, जिसको हम लोग एकास्म मंदिर के नाम से भी जानते हैं। कौन सा है? एकास्म मंदिर। देखिए एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर कहें या एकास्म मंदिर कहें, एकास्म का मतलब यही मेरे द्वारा बताया गया, एक ही पत्थर को काटकर इस प्रकार के मंदिर का निर्माण किया गया है। और आप इस चीज को अनुमान लगाइएगा कि एक ही पत्थर को काट कर इस प्रकार की शैलकृतियों का जो निर्माण किया जा रहा होगा कितना अद्भुत होगा। तो अपने लिस्ट में ये भी लिख लीजिए कि कभी भी मौका मिले तो एलोरा के मंदिर को घूमने आप जरूर जाओगे, ठीक है ना। चलिए हम लोग थोड़ा बहुत इसके परिचय को देख लेते हैं। एलोरा की गुफाएं, तो इन गुफाओं का परिचय हम लोग देख लेते हैं एक बार, ठीक है। इन गुफाओं का परिचय देखते हैं। यह गुफाएं हैं कहां पर, यह कहां पर स्थित है? यह स्थित है महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। कहां पर है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। और यहां पर अगर देखा जाए तो सभी प्रकार के कलाओं का संगम है, कलाओं का संगम है। कौन कौन सी कलाओं का संगम है? यहां पे वस्तु कला का भी संगम है, ठीक है। हाँ तो यहां पे अगर हम लोग देखते हैं तो वस्तु कला भी है, दूसरा अगर हम लोग देखते हैं तो मूर्ति कला, और तीसरा अगर हम लोग देखते हैं तो चित्रकला। चित्रकला इन तीनों प्रकार के, हाँ
तीनों का अद्भुत समागम हमें यहां देखने को प्राप्त होता है। तीनों का अद्भुत समागम यहां पर हमें देखने को मिलता है। एलोरा की गुफाओं में तीनों का तीनों ये संगम तो हमें देखने को मिलता है, लेकिन यहां पर अगर हम लोग नजर डालें तो तीनों धर्मों का भी संगम हमें देखने को मिलता है। तीनों धर्म का हमें संगम देखने को मिलता है। सबसे पहला इसमें है ब्राह्मण धर्म का, दूसरा अगर देखा जाए जैन धर्म का, और तीसरा अगर हम लोग देखते हैं तो बौद्ध धर्म का। तो तीनों प्रकार की कलाकृतियां हमें देखने को, तीनों की कलाकृतियां, इन तीनों प्रकार की कलाकृतियां हमें देखने को क्या है, प्राप्त होता है। हाँ जी, अभी मैंने आपका क्वेश्चन देखा, तब तक डिलीट है जी। क्लास के लास्ट में आप लोग पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि समय थोड़ा सा कम हो गया है तो इसलिए मैं थोड़ा ज्यादा और जल्दी जल्दी बताने का प्रयत्न कर रहा हूं, ठीक है। तो एलोरा की गुफाओं का हो गया ये सभी पॉइंट। तीसरी पॉइंट अगर हम लोग देखें, इस एलोरा की गुफाओं की विशेषता क्या है, इसकी प्रमुख विशेषता कौन कौन सी है। इसमें एक मंदिर है जो सबसे प्रमुख मंदिर है, और वह मंदिर कौन सा है, एलोरा का, एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर। कौन सा है, एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर। अगर हम लोग एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर पे नजर डालते हैं और कैलाशनाथ मंदिर को अगर हम लोग देखें कि इनमें कौन कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं। गुड इवनिंग सभी को, आप लोग लेट ज्वाइन करते हैं, अब क्लास का समय कम हुआ है तो अपने टाइम पे आ जाइए, मैं भी टाइम पे आता हूं हमेशा। इसका निर्माण कब हुआ है, इसका निर्माण हुआ है राजकूट शासकों के द्वारा। देखो, इन्हीं में से कभी कभी कोई कोई क्वेश्चन आप लोगों से पूछ देता है, और वह कौन से शासक थे राष्ट्रकूट का, तो याद रखिएगा कृष्ण प्रथम के द्वारा। अगर बाय द वे कभी भी पूछा जाए कि जो एलोरा का कैलाशनाथ का मंदिर है, इस कैलाशनाथ के मंदिर का निर्माण मुख्यतः किसके द्वारा कराया गया, तो कृष्ण प्रथम के द्वारा, जो कि राष्ट्रकूट शासक थे। और दूसरा इसके बारे में आप लोग को याद रखिएगा कि समग्र पहाड़ी को काटकर ठीक है, सबसे अच्छा यहां पर एग्जाम्पल फिट होता है, और समग्र पहाड़ी को काटकर इसका निर्माण किया गया, इसका निर्माण किया गया, जिसका मुख्यतः क्षेत्रफल कितना है। इसके क्षेत्रफल पे अगर हम लोग नजर डालते हैं तो 276 इंटू 154 फीट, मतलब लंबाई चौड़ाई भी अगर हम लोग देखें, लंबाई चौड़ाई भी देखें तो काफी भव्य और काफी दूर तक यह फैला हुआ मंदिर है। कौन सा मंदिर है, एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर। फोटो के द्वारा तो आप लोग देख चुके हैं एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर, ठीक है। चलो, हम लोगों ने दो विशेषताएं इसके बारे में देख लिया और समझ लिया। पहली विशेषता कि इसके द्वारा, इसका रचना किसके द्वारा, इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, और दूसरा ये कि इसका क्षेत्रफल टोटल कितना है, ठीक है ना। अब हम लोग कुछ इसके महत्वपूर्ण विशेषताओं पर नजर डालते हैं। जो कैलाशनाथ मंदिर है, नाम से ही आप लोग को पता चल रहा है कैलाशनाथ, तो कैलाशनाथ मंदिर का जो गर्भगृह होगा यह भगवान शिव को समर्पित होगा। किसको, भगवान शिव को यह क्या है, समर्पित है, पहला पॉइंट। दूसरा, इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो कई मंडपों का निर्माण कराया, आप लोग साथ में लिखते हुए चलिएगा इसके, इसको अगर हम लोग नजर डालते हैं तो कई मंडपों का निर्माण करवाया गया है। और तीसरा पॉइंट अगर हम लोग देखते हैं कि जो इसका प्रवेश द्वार है, यह प्रवेश द्वार कौन सी दिशा से है, तो पश्चिम की ओर है। कौन सी दिशा में है, पश्चिम की तरफ है, तो इसका प्रवेश द्वार किधर है, पश्चिम की तरफ है, ठीक है। हाँ, तो इसका प्रवेश द्वार किधर है, पश्चिम की तरफ है, मैंने कर दिया वह एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना या लिख लो सही रहेगा, सबसे अच्छा लिखना ही रहेगा, ठीक है। चलो,
अगर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, प्रवेश द्वार किधर है? पश्चिम की तरफ है। यहां पर एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर का जो वस्तु संरचना है, जो वस्तु संरचना है या उसके ऊपर अगर हम लोग शिल्पांकन पे नजर डालते हैं, तो वस्तु संरचना या शिल्पांकन को देखा जाए तो यह काफी अद्भुत है, मतलब बहुत ही अच्छा है। और इन मंदिरों में, मंदिर में पौराणिक कथाओं के विषयों के अनेक खूबसूरत प्रतिमाओं का निर्माण किया गया है, खूबसूरत प्रतिमाओं का यहां पर क्या किया गया है, निर्माण किया गया है। आप लोग इसको इजी वे में मत ले लेना कि ये जो चीजें मैं यहां पर लिख रहा हूं ये बेकार का, एक एक पॉइंट्स इसका इंपोर्टेंट है, क्योंकि एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर पे क्वेश्चन आता है आपके, चाहे वो मेंस हो चाहे वो प्रीलिम्स हो, दोनों में क्वेश्चन इससे आता है। और यही रीजन है कि इतने सारी चीज मैं लिख रहा हूं, ग्राफ तो आप लोगों के यह सामने है, इमेज आप लोगों के सामने है, यह मंदिर आप लोगों के सामने है। ये बात अलग है कि एक हाथी यहां पर स्थित सही है, लेकिन एक हाथी यहां पर टूट गया है क्योंकि बहुत प्राचीनतम समय में इसका निर्माण हुआ है। अच्छा, गुड इवनिंग सभी को, आर्ट एंड कल्चर की क्लास है जी, ठीक है ना। तो यहां पे ऊपर भी आप देख रहे हो ना कि एक पत्थर को काट कर किस प्रकार से मंदिर का निर्माण किया गया, तो यहां पर प्रीलिम्स और मेंस दोनों लेवल के क्वेश्चन आते हैं। यही रीजन है कि यहां पर मैं सारे के सारे पॉइंट्स में लिख रहा हूं कि आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो यहां पर शिल्पांकन का अद्भुत नजारा है, यानी कि अगर हम लोग शिल्पांकन देखते हैं यहां पर शिल्पियों का जो निर्माण किया गया है, ठीक है ना, तो यहां के अगर शिल्पांकन हम लोग देख रहे हैं तो वो कैसा है, अद्भुत है। अब आपके या मेरे मन में क्वेश्चन ये आएगा कि सर जी आप जो अद्भुत लिख रहे हो ये अद्भुत क्यों लिख रहे हो, ऐसे कोई प्रतिमा का नाम बताओ। तो यहां अद्भुत शिल्पांकन है कौन कौन सा, रावण का, रावण ने जो कैलाश मंदिर को उठा लिया था ना, तो उसका भी शिल्पांकन यहां पर किया गया है, यानी कि हम बोल सकते हैं रावण द्वारा कैलाश पर्वत उठाने का शिल्पांकन किया गया है। यहीं पर शिव का वैभव रूप, यानी कि उनका सबसे विशाल काय जो रूप है उसको भी यहां पर चित्रित किया गया है। यहां पर अगर हम लोग देखते हैं तो शिव का तांडव रूप भी हमें देखने को मिल जाता है, और यहीं पर माता पार्वती का, पार्वती का लास्य नृत्य भी हमें देखने को मिलता है। तो जो दीवारों पर शिल्पांकन इसका किया गया है ना, दीवारों पे जो शिल्पांकन किया गया है, हाँ जी बिल्कुल विराज गुजर जी सुफिशियंट है, थैंक यू रियाज खान। और प्लीज साबिर जी, नंबर मैं नहीं दे पाऊंगा, इसलिए नहीं दे पाऊंगा क्योंकि अन अकेडमी की तरफ से यह माना है कि कोई भी एजुकेटर अपने पर्सनल डिटेल या ये सब नहीं देगा यहाँ पे, तो इसलिए मना है, तो मैं नहीं दे पाऊंगा। हाँ, कोई बच्चा दे सकता है। तो अद्भुत शिल्पांकन किया गया है इन सभी का। जैसे आप लोग इनके दीवारों को आप देख रहे हो ना, इनके जो दीवार ये सब आप लोग को दिखाई दे रहे हैं, जैसे उतना अच्छा चित्र तो नहीं मिला मुझे, लेकिन ये सब जो यहाँ पर आपको चित्र जो दिख रहे होंगे ना, यहाँ पे इन सब साइड में, यही चित्र जो होता है यहां पर शिल्पांकन किया गया है, इन्हीं पर इनका शिल्पांकन किया गया है। और काफी हर एक नृत्य का जो होता है शिल्पांकन यहां पर किया हुआ है। वो लास्ट नृत्य है आपका माता पार्वती का, यूट्यूब पर आप सर्च करोगी तो आपको वहां पर डांस करते हुए दिख जाएंगे माता पार्वती, ठीक है। तो इन सभी का क्या है, किया गया है। सबसे मेन बात तो यह है ना कि यह प्रथम ऐसा मंदिर है, हम कह सकते हैं यह प्रथम ऐसा मंदिर है जो धर्म निरपेक्ष है, या एक प्रकार से हम कह सकते हैं यह किस प्रकार से है, अनेक धर्म निरपेक्ष मूर्तियों का यहां पर निर्माण किया गया है।
हाँ ठीक है, यहां देखो, अनेक धर्म निरपेक्ष मूर्तियां। मैं एमसीक्यू लेके आऊंगा विराज, अभी रुक जाओ। मूर्तियों का निर्माण किया गया है और पहाड़ी को काटकर हाथियों का भी यहां पर क्या है, निर्माण किया गया है। हाँ, पहाड़ी काटकर यहीं पर क्लास के सबसे लास्ट में देखना ना, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को टेलीग्राम लिंक दिया गया होगा, तो उस लिंक पे क्लिक करोगे तो एग्जाम में इजी वाले टेलीग्राम लिंक पे चले जाओगे। हाँ जी, तो हाथियों की यहां पर क्या है, मूर्तियां हैं। अब दो लाइन आप लोग इसके बारे में लिख सकते हैं, अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, अपनी कॉपी में मैं जो लिखवा रहा हूं उसको लिख लेना। एलोरा की वस्तुगत और शिल्पगत, एलोरा की वस्तुगत और शिल्पगत विशेषताओं को देखकर यह कहा जा सकता है कि यह भारत में विकसित शैलकृत वस्तुकला का सौर हाँ सबसे अच्छा रूप है या सर्वोत्कृष्ट रूप है। इससे पूर्व भी जो लिखवा रहा हूं लिख लो जल्दी, इससे पूर्व भी चैत विहार और मंदिर भी पहाड़ी को काटकर बनाए गए थे। चैत विहार और मंदिर पहाड़ी को काटकर बनाए गए थे, पहाड़ी को काटकर बनाए गए थे, लेकिन एलोरा उन सभी में बेहतर है, लेकिन एलोरा उन सभी में बेहतर है। ठीक है, बस इतना पॉइंट्स किसके बारे में था, एलोरा के गुफा को लेकर और एलोरा के बारे में रहा। अब हम लोग किसके बारे में देखेंगे, अब हम लोग यहां पढ़ने वाले हैं होयसल मंदिर के बारे में। कौन सा है, होयसल मंदिर सबसे लास्ट है ना ये, और मंदिर स्थापत्य कला का सबसे लास्ट बिंदु है ये होयसल मंदिर जो है। हाँ, तो यह सबसे लास्ट बिंदु है आपका किसका। चलो, तो अब हम लोग इसको एक बार होयसल मंदिर को देख ले। दक्कन के क्षेत्र में चालुक्य थे, चालुक्यों को पराजित करके राष्ट्रकूट आते हैं और उनको पराजित करने के बाद, यानी कि हम इसके बारे में कह सकते हैं कि जो राष्ट्रकूटों के द्वारा मंदिर का निर्माण किया गया था, तो इसके बाद जो दक्कन का क्षेत्र है, इस दक्कन के क्षेत्र में कौन से शासकों का आगमन हुआ, तो होयसल शासकों का आगमन हुआ। यहां पर होयसल शासक आए और होयसल शासकों के द्वारा भी वेसर शैली के मंदिरों का निर्माण किया गया। वेसर शैली के मंदिरों का इनके द्वारा भी क्या किया गया, निर्माण किया गया। अब क्वेश्चन यह आता है कि क्या होयसल वालों ने जो बेसल शैली के मंदिरों का निर्माण किया था, क्या पहले वाले शैली में ही किया हुआ था, कि इनकी कुछ निजी विशेषताएं थी। तो इनकी कुछ क्या थी, निजी विशेषता था, उन विशेषताओं को ही हम लोग को पढ़ लेना जरूरी है, बस उन्हीं विशेषताओं को देखना है। हाँ जी विराज गुर्जर, हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए भी जो होता है ये आर्ट एंड कल्चर की क्लास सुफिशियंट है। ये क्लास जो मैं ले रहा हूं, ये चाहे आप जीएस पेपर फर्स्ट के लिए ले,
चाहे प्रीलिम्स के लिए, प्रीलिम्स में थोड़ा सा और मैं एक बार रिवीजन क्लास ले लूंगा जो मेरा अपना तरीका है 15 से 20 घंटे में कंप्लीट कराने वाला, तो मैं वो भी पिछले बार मैंने 6 क्लास लिया था तो 2 क्वेश्चन आ गया था आर्ट एंड कल्चर में। तो और बाकी सब एजुकेटरों का आपने देखा हुआ होगा कि पूरा का पूरा उन लोगों ने आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट करा दिया लेकिन क्वेश्चन टच नहीं हुआ। तो इन सब चीजों पे ध्यान रखना पड़ता है और वो आप लोग ही रखोगे। सिलेबस में पूरा कंप्लीट करा दूं और क्वेश्चन टच ना हो तो फिर मेरे पढ़ाने से मतलब क्या है, समझ जाओ इसको। कि अगर कोई टीचर, अगर कोई एजुकेटर पढ़ा रहा है, अगर मैं आर्ट एंड कल्चर यहां पढ़ा रहा हूं, तो मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को यूपीएससी क्लियर कराने के लिए, और आप लोग पढ़ रहे हो यूपीएससी क्लियर करने के लिए, नॉलेज के लिए नहीं पढ़ रहे हो, है ना। आप बस चीजों को अच्छे तरीके से समझो, ज्यादा नॉलेज के पीछे भी मत पढ़ो, बस जितना दे दे रहा हूं उतने पर विश्वास रखो, इतने में से ही आप आंसर राइटिंग भी कर लोगे आंसर। अब जैसे एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, एक पॉइंट अगर आपसे पूछा जाए एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर के बारे में, आपको 150 शब्दों में लिखने के लिए दे दिया जाए, क्या आप नहीं लिख पाओगे क्या कि एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है और यहाँ पर वस्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला तीनों का अद्भुत समागम है। यहाँ पर अगर हम लोग नजर डालते हैं तो हम लोग यह पाते हैं कि ब्राह्मण, जैन और बौद्ध इन तीनों प्रकार की कलाकृतियां यहाँ पर क्या है प्राप्त होती है। इनकी विशेषताओं पर अगर हम लोग नजर डालें तो एक पहाड़ी को काट कर यहाँ पर हाथियों की मूर्तियों का निर्माण किया गया है, यहाँ पर अनेकों धर्म निरपेक्ष मूर्तियों का निर्माण हुआ है, यहाँ के गर्भगृह को भगवान शिव को समर्पित किया गया और साथ ही गर्भगृह के सामने अनेक मंडपों का निर्माण किया गया है, प्रवेश द्वार इसकी पश्चिम की तरफ है और वस्तुकला और शिल्पांकन की दृष्टि से यह क्या है, काफी अद्भुत है। अब बताओ ये जितने पॉइंट्स, हाँ सर प्राइवेट हो लोग ये सब, हाँ कोई बात नहीं, हाँ जी मैं भी उधर ही देख रहा हूं, तो आप लोग इसका आंसर भी काफी अच्छे तरीके से क्या है लिख सकते हैं। तो यही खासियत है इसका। अगर हम लोग इसकी कुछ निजी विशेषताओं को देखते हैं तो इनकी निजी विशेषताओं क्या है, आप लोग कोई बता सकते हो क्या बच्चा, आप लोगों में से, हाँ क्या आप लोग बता सकते हो क्या इसकी निजी विशेषता, मेरे द्वारा समझाया गया है फिर भी आप लोग बता देना एक बार, कि जो इनके समय के मंदिरों का गर्भगृह था, तो मंदिरों का गर्भगृह कैसा था जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइएगा। दूसरा पॉइंट्स में बता दे रहा हूं कि यहां पर दो दो गर्भगृह भी बने हुए हैं, यहां पर दो दो गर्भगृह हमें देखने को प्राप्त होता है, देखने को मिलता है, हाँ देखने को हमें क्या है मिलता है। जैसे इनके समय में अगर हम लोग मंदिर को देखते हैं तो हम लोग इनके समय का मंदिर देखते हैं होयसलेश्वर का मंदिर, होयसलेश्वर का मंदिर वर्गाकार वर्गाकार पिटाओगे सब ना, यही आप लोग रिवीजन करते हो ना। दूसरा चन्नकेश्वर मंदिर और तीसरा अगर हम लोग देखते हैं तो पदकल एवं इसका नाम ही क्या है, मैसूर का मंदिर। अगर होयसलेश्वर का मंदिर अगर हम लोग देखते हैं, यह कहां पर है, कर्नाटक में है, कहां पर है, कर्नाटक में। और चन्नकेश्वर के मंदिर को भी अगर हम लोग देखें, यह भी कर्नाटक में बेल्लूर में है, कहां पर है, बेल्लूर में है कर्नाटक। और ये होयसलेश्वर का मंदिर जो है हेलिविड में है, कहां पर है, नहीं आप लोग रिवीजन सही तरीके से नहीं करते हो, थोड़ा सा ध्यान दो, केवल आप लोग टॉपिक कंप्लीट मत करो मेरे भाई और बहनों, खास तरीके से भाइयों और बहनों, तो सभी से रिक्वेस्ट है जितना पढ़ रहे हो उसको रिवीजन भी बार बार करते रहो। तो मंदिरों का गर्भगृह अगर हम लोग देखते हैं इसका, तो कैसा है, ताराकृतिक है,
तारा के आकार का। मैंने तारा का आकार बनाकर भी समझाया हुआ था, जब बेसर शैली मैंने पढ़ाया है तो वहां पर देखना अपनी कॉपी में बेसर शैली जहां पर लिखा हुआ है, जब मैंने फोटो बनाया है तो वहां पर फोटो बनाने के जस्ट नीचे मैंने तारा बनाकर लिखे हैं कि होयसलों ने तारा आकार का यानी कि इस प्रकार के मंदिरों का उनके द्वारा निर्माण किया गया था। देखना मेरे द्वारा बताया गया होगा। या इनके द्वारा एक और था बहुकोणीय, इस प्रकार के गर्भगृह का निर्माण ये लोग करते थे। बस यही पूरा का पूरा कहानी है आपका, कौन सा नागर शैली, द्रविड़ शैली और कौन सा वेसर शैली। बस हाँ, तो जब मैं पूछ रहा हूं हिसलों का, तो हिसलों ने बेसर शैली का निर्माण किया हुआ था ना, तो आप नागर शैली क्यों बता रहे हो। हाँ, तो यही तीन प्रकार के शैलियों को हम लोग देख रहे थे और यही हम लोग का टॉपिक कौन सा था, मंदिर स्थापत्य का। कौन सा? मंदिर स्थापत्य का, जो कि कंप्लीट हुआ। अब हम लोगों को किसके बारे में पढ़ना है, अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यहां पर चैत्य एवं बिहार। यहां से भी क्वेश्चन आता है ना, चैत्य एवं बिहार ये दोनों क्या होते हैं, पहले इसको समझ लेना है। और मुख्यतः इन चैत्य और बिहारों का मुख्यतः अगर हम लोग नजर डालते हैं तो इन चैत्य एवं बिहारों का ठीक है निर्माण कहां कहां हुआ है, तो इस निर्माण को भी हम लोग को क्या करना है, एक बार नजर डालकर पढ़ लेना है। सबसे पहले अगर हम लोग देखते हैं ना, तो इन चैत और बिहारों का जो निर्माण का सीरीज है वो हमें कहां पर देखने को मिलता है, तो ये मिलता है हमें बिहार में। कहां मिलता है यानी कि सबसे पहले जो बना हुआ था वो कहां पे बना हुआ है, तो बिहार में, चैत एवं बिहार। और बिहार में मुख्यतः यह गया के में जो होता है देखने को मिलता है। गया में, बिहार में दो स्थानों पर मिला हुआ, एक कौन सा है, बराबर की गुफाओं में और दूसरा नगार्जुन। इन गुफाओं में हमें देखने को मिलता है। हाँ, वेरी गुड जी। और दूसरा, अगर आप लोगों से पूछा जाए किसके द्वारा बनाया गया है, तो शुरुआत तो अशोक ने किया हुआ था, लेकिन हमें दशरथ, अब राजा दशरथ पे मत चले जाना, या मौर्य काल के शासक दशरथ होते हैं, दसवें नंबर के शायद थे या इसके, हाँ एक बार, हाँ तो दशरथ, दशरथ के द्वारा जो होता है बनाया गया है। फिर अगर हम लोग यहां नजर डालते हैं साउथ में, ठीक है, साउथ में जो मौर्योत्तर काल यानी कि मौर्यों के, मौर्योत्तर काल में मौर्यों की समाप्ति होने के बाद यहां पर बनाया जाने लगा था, तो यहां पे जो बनाया गया है वह कब का बना हुआ है, तो यहां बना हुआ है मौर्योत्तर काल में। कब बना हुआ है, मौर्योत्तर काल में। और यहां पर दो पहाड़ियां हैं, एक कौन सी, उदयगिरी, और मैं एक एक करके बताऊंगा। पहले मैं आप लोगों को यह बता रहा हूं, हां यह बता रहा हूं कहां कहां बना है, ताकि आप लोग को ग्राफ पता रहे। चैत और बिहार तो सभी बच्चों को पता होगा, मैक्सिमम बच्चों को, कि चैत और बिहार क्या होता है, ये तो आप लोगों को पता होगा। बस बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज ये हो जाते हैं कि है कहां पर और किस प्रकार से है, तो उनके बारे में मैं बताने वाला हूं अभी। तो उदयगिरी और जो खंडगिरी, उदयगिरी और खंडगिरी की पहाड़ी है, यहां पे हमें बना हुआ प्राप्त होता है। और हम लोग अगर आगे हम लोग नजर डालते हैं तो हम लोग यह पाते हैं कि यहां पर भी बना हुआ मिलता है, दूसरा हो गया ना, हाँ तीसरा गुजरात में बना। तीसरे नंबर का जो है, तीसरे नंबर का जो है वह कब बनता है, तीसरे नंबर का गुप्त काल में बना हुआ था। कहां पर, गुप्त काल में बना हुआ था। और गुप्त काल में जो बना है वो कहां पर, मालवा और उदयगिरी, यहां पर जो होता है निर्माण होता है। और सबसे अंतिम में जो निर्माण हो रहा है वह फिर दक्षिण भारत में ही निर्माण हुआ, यानी कि चौथे नंबर पर। और यहां पर जो बनवाया गया था वह किसके द्वारा, पल्लव, पल्लव
और चालुक्य के द्वारा बनाया गया था, पल्लव और चालुक्य के द्वारा बनाए गए थे। लेकिन अंतर क्या है? अंतर यह है कि पल्लव और चालुक्यों के द्वारा जब बनाए जाने लगा ना, तो ये मंदिर का रूप ले लिया था। यहां पर पल्लव और चालुक्यों के द्वारा जब बनवाया जाने लगा था तो यह अब क्या हो गया था, यह मंदिर का रूप ले लिया था। अब यह चैत और विहार नहीं रहा था, अर्थात हम यह बोल सकते हैं कि इनके द्वारा मंदिरों का निर्माण किया गया चैत और विहार की आकृति में ही पूरी की पूरी विशेषता वही रहा, लेकिन अब वो मंदिर का रूप हो गया। तो हम यह कह सकते हैं कि चैत्य विहार इनके द्वारा क्या है, नहीं बनवाया गया। क्वेश्चन भी आया था 2013 में, प्लीज। हाँ जी, इस पे क्वेश्चन आते रहते हैं, ये सब ऐसे टॉपिक है ना, डायनेमिक टॉपिक है, जहां से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते रहते हैं। और बच्चे आधा अधूरा जब ज्ञान अर्जित करते हैं ना, तो कंफ्यूज रहते हैं कि अब आप लोग यहां देखो, अपने माइंड को बंद करो, और माइंड को बंद करोगे तो आपको पता चलेगा बराबर नागार्जुन सबसे पहले, उदयगिरी खंडगिरी दूसरे में, ठीक ना, मालवा और उदयगिरी तीसरे में, उदयगिरी में मतलब अंतिम समय में भी जो होता है, तीसरे थर्ड चरण में भी काम चलता रहा था। और हम लोग देखते हैं पल्लव और चालुक्य, यह आपका कौन सा मंदिर का निर्माण नहीं, चैत, ये चौथे नंबर पे सबसे अंतिम चैत और बिहार का जो निर्माण कराने वाले थे वह कौन से हैं, पल्लव और चालुक्य हैं। सबसे अंतिम में कौन से हैं, पल्लव और चालुक्य, इन्हीं सभी के द्वारा, हाँ इन्हीं सभी के द्वारा इसका निर्माण कराया गया, और ये सभी चैत और बिहार के स्थान है जहां पर निर्माण कराया गया। ठीक है, अब हम लोग को यहां समझ लेना है सामान्य परिचय, इसका सामान्य परिचय। सामान्य परिचय, ठीक है ना, सामान्य परिचय में अगर देखा जाए बौद्ध और चैत और बिहार का, तो भारत में अगर देखा जाए तो जो आश्रम है या जो चित्रकारी है, आश्रम और चित्रकारी के लिए पाषाण काल से ही मानव जो है अपने आश्रम के लिए या चित्रकारी करने के लिए, पाषाण काल से ही हम इंसानों को देखते हैं, मानवों को देखते हैं, वह गुफाओं का प्रयोग किया करते थे। भीमबेटका का गुफा पता है ना, भीमबेटका का गुफा, तो यह अभी से नहीं, आगे चलकर शासक वर्गों के द्वारा ही नहीं, बल्कि हम लोग यह देखते हैं कि आश्रम के लिए और चित्रकारी के लिए, इन दोनों के लिए पाषाण काल में ही क्या हुआ था, मानव द्वारा प्राकृतिक गुफाओं का प्रयोग किया गया, लेकिन पहाड़ी को काटकर, सबसे पहले याद रखिएगा कि गुफाओं का तो प्रयोग किया गया, लेकिन वो गुफा जो प्राकृतिक रूप से बने हुए थे, प्राकृतिक रूप से, गुड इवनिंग, काफी लेट ज्वाइन किए हो, हाँ, जो प्राकृतिक रूप से क्या थे, बने हुए थे, लेकिन पहली बार पहाड़ी को काटकर गुफा का निर्माण करना कौन से समय में शुरू हुआ है, जल्दी से एक बार बताना, सबसे प्रथम बार कब शुरू हुआ है, तो सर्वप्रथम इसकी शुरुआत कब हुआ है, मौर्य काल में, और आगे हम लोग यही देखते हैं कि यही जो गुफाएं हैं, आगे गुफाओं को ही काटकर यहां पर चैत्य मठ मंदिर जैसे अनेक संरचनाओं का निर्माण किया जाने लगा। बस यही कहानी है, हाँ, चैत और बिहार के बनने का। समझ में आ रहा है, इतना पॉइंट्स क्या समझ में आया आप सभी बच्चों को, मेरे द्वारा क्या बताया गया, देखो सामान्य परिचय में यह है
कि अगर हम लोग पाषाण काल से ही देखते हैं ना, तो मानव मानव चित्रकारी के लिए और आश्रम यानी कि रहने के लिए मुख्यतः जो प्रयोग करता था वह प्रयोग किसका, गुफाओं का प्रयोग करता था और पहाड़ी को काट कर उस गुफा का निर्माण किया करता था। लेकिन सबसे प्रथम बार पहाड़ी को काट कर गुफा का निर्माण मौर्य काल में हो रहा है और फिर अंतिम समय तक हम लोग देखते हैं कि अब यही जो गुफा बना हुआ है इस गुफा को काट कर चैत्य विहार मठ और मंदिर जैसी संरचनाओं का निर्माण किया जाने लगा था। इतना ही पॉइंट्स क्या है? हाँ जी, अच्छा, तो इतना ही पॉइंट्स किसके बारे में है आपको, ये चैत्य विहार। अब हम लोग को यहां पर क्या समझना है, चैत्य विहार यानी कि गुफा स्थापत्य के विकास के कारण, हमें अब यहां पर गुफा स्थापत्य के विकास के कारण को समझना है और फिर हम लोग ग्राफ के द्वारा जितने भी चैत्य हैं, पहले हम लोग चैत्य को समझेंगे और फिर उसके बाद जितने भी विहार हैं हम उन विहार को समझेंगे। हाँ, तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को और 21 और 20 फरवरी को यहाँ पे सबमिट होने वाला है, तो आप लोग रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। और यहाँ पे आप लोग को क्लास से जाने से पहले आप लोग को क्लास को लाइक करना होगा, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और आप लोग को सब्सक्रिप्शन जब भी लेना हो एक कोड का जरूर यूज करना, क्योंकि वहां पर मेरे द्वारा और बाकी सब एजुकेटर के द्वारा इस तरीके से काफी अच्छे तरीके से, क्योंकि वहां पे कोई फाउंडेशन नहीं है तो वहां पे कोर्सेज कंप्लीट करवाया गया है, तो उसके लिए आपको PK10 कोड का यूज करना होगा और फिर मिलेगा 10% का डिस्काउंट। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी बच्चों को जो कि आप लोगों ने देखा और इतना अच्छा इतने अच्छे तरीके से समझने का प्रयत्न किया, क्योंकि लिख कर समझने वाले बच्चे बहुत ही कम है, PPT वाले बच्चों का भरमार बहुत ज्यादा है जहां पर UPSC नहीं SSC की तैयारी होता है, रियली में तो वहां पे सबसे ज्यादा बच्चे होते हैं। UPSC का यही है, चीजों को अच्छे तरीके से देखो परखो फिर पढ़ो। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।